महात्मा गांधी नरेगा की सफल दास्तानों की खोज हमें ले आई राजस्थान के दौसा जिले में। मिलिए प्रभु मीणा से। खेती के अलावा आमदनी का एक जरिया उसके दुधारू पशु भी। फसल अच्छी हुई तो दिल को तसल्ली मिली कि मेहनत रंग लाई, वरना अतीत की दास्तान तो इससे बिल्कुल जुदा थी। जिला दौसा की ग्राम पंचायत खटुम्बर में खटुम्बर ग्राम के वासी प्रभु मीणा के लिए गुजरे कल में खेती की जमीन का उबड़ खाबड़ होना एक बड़ी समस्या थी। बरसात होती तो पानी ढलुआ रास्तों से बहकर निकल जाता और उपजाऊ मिट्टी भी साथ बहा ले जाता। साथ ही खेतों में मेड़बंदी का ना होना भी एक बड़ी समस्या थी। खेत में जो थोड़ी बहुत फसल होती तो खरगोश नील गाय जैसे जंगली पशु खेत में घुस खड़ी फसल को तहस नहस कर देते। मुश्किल से रोजी रोटी का इंतजाम करने वाला प्रभु मीणा जमीन को समतल करने और मेड़बंदी के लिए पैसे कहाँ से लाता। उसकी एक और समस्या अपने दुधारू पशुओं को लेकर भी थी, जिनके लिए वो पक्का शेड नहीं बनवा पा रहा था। पशु खुले में रहते तो गर्मी, तूफान, सर्दी, मौसम की मार झेलते। नतीजा एक तरफ तो दूध कम और फिर आए दिन पशुओं में बीमारी। कुल मिलाकर मुश्किलें एक नहीं अनेक थी। मुश्किल की घड़ी में रोशनी की किरण दिखाई महात्मा गांधी नरेगा ने। गुजरे 5 वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत कमजोर वर्गों के निर्धन ग्रामीणों की खेती की जमीनों पर जरूरत के मुताबिक दीर्घ स्थायी निर्माण पर जोर दिया गया। पात्र होने के कारण प्रभु मीणा ने पंचायत में अर्जी लगाई और बात बन गई। हमारा टाइम शब्द लिया, मैंने सोची नहीं, महात्मा गांधी नरेगा से मेड़बंदी मिली, खेत को समतल कर लियो, पेंशन को बाड़ा मिलियो, खेत में पौधा लगाया। महात्मा गांधी नरेगा योजना की मदद से प्रभु मीणा एवं अन्य हितकारियों के हमने योजना अंतर्गत कार्य स्वीकृत किए हैं, जिसमें प्रभु मीणा के मेड़बंदी, समतलीकरण, पशु बाड़ा एवं वृक्षारोपण का कार्य स्वीकृत हुआ है और काफी अच्छा कार्य इन्होंने कराया। महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक महत्व की परिसंपत्तियों के साथ साथ कमजोर वर्ग के जरूरतमंद पात्रों की निजी परिसंपत्तियों को सुधार व निर्माण ने चयनित लाभार्थियों के लिए संजीवनी का काम किया है। प्रभु मीणा के समान ही दौसा जिले की ग्राम पंचायत कावलेश्वर के गांव चौरड़ी के किसान छीतरमल को अपने खेत के समतलीकरण, मेड़बंदी, पशु शेड और वर्मी कंपोस्ट के नाडेप निर्माण के लिए कुल 88,000 की राशि वर्ष 2018-19 के लिए मंजूर हुई। इन कार्यों में कुल व्यय 64,000 का रहा। इन सब के कारण छीतरमल अपनी जिंदगी में आए सुखद बदलाव को साफ महसूस कर रहा है। महात्मा गांधी नरेगा से बढ़िया समतल खेत हुआ, बढ़िया वहाँ की डोली पाड़ बंदी, तो वहाँ सोचे जी आप आपका खेता का पानी छे जो जगह की जगह रुकिया तो उस लाभदारी बढ़िया हुई, फसल भी बढ़िया हुई। फिर दूसरा कैटल सेट बनिया, ये हमारा जानवर है ना जो बहुत ही ज्यादा दुख पाता था, जो बहुत सुख पावल है, तो उससे बढ़िया दूध की लाभदारी हुई, पैसा ज्यादा बढ़ गया साहब, दूध ज्यादा गयो तो ज्यादा पैसा आया, परिवार बेटा बू सब कुछ थी महाराज, मजा हो रहा। लाभार्थी का चयन कैसे हो, इसके लिए ग्राम सभा की मीटिंग के दौरान सभी के आवेदन पर चर्चा होती है और ग्राम सभा की सहमति से लाभार्थी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। पंचायत लाभार्थी का नाम अनुमोदित कर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रशासन के पास भेजती है। अधिकारी कागजात की जांच करते हैं, साइट का इंस्पेक्शन होता है और फिर राज्य सरकार इस कार्य के लिए बजट मंजूरी देती है। कार्य क्षेत्र की जियो टैगिंग की जाती है और कनिष्ठ तकनीकी सहायक की देखरेख में कार्य को पूरा किया जाता है। कुल मिलाकर सारा प्रोसेस पूरी तरह से पारदर्शी है। राजस्थान की ग्रामीण पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी नरेगा से लाभान्वित ऐसी सफल गाथाओं को उत्साह से बयां करते चेहरे जहां तहां मिल जाएंगे, क्यों ना हो। महात्मा गांधी नरेगा के इस प्रयास ने अपनी सार्थकता को हर कसौटी पर साबित जो किया है।